तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार अपने चैनल राहुल स्पीकर पर। तो आज हम कुछ नया लेके आए हैं और दिखा रहे हैं हम थार में पीपीएफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। पीपीएफ जो कारों के अंदर ही होती है, बाइक के अंदर हम नहीं करते, जो स्क्रैच प्रूफ होती है। जैसे कि आप कुछ भी उस पर ब्लेड वगैरह चलाते हैं या रगड़ मारते हैं तो उसमें कोई भी स्क्रैच नहीं आता। इसका मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा और दिखाता हूँ पहले जो हम थार को पीपीएफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो कर रहे हैं, आओ मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, लैमिनेशन एक अलग चीज़ होती है और पीपीएफ एक अलग चीज़ होती है। लैमिनेशन सिर्फ कपड़े से स्क्रैच बचाती है और पीपीएफ अगर जैसे आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है, कहीं से लग जाती है, साइड लग जाती है, तो उसमें 90% चांसेस होते हैं पेंट ना जाने के। आपकी गाड़ी जितनी मर्जी आप पत्थर लेके रगड़िए उसके ऊपर और पेंट फिल्म हटा के देखिए तो आप देखेंगे कि अंदर एक भी स्क्रैच नहीं होगा। और इसकी लाइफ भी 4-5 साल की होती है। लैमिनेशन की लाइफ अगर आप कराओगे तो 1-1.5 साल होती है। ये सिर्फ कारों के अंदर ही होती है, बाइक के अंदर नहीं हो पाती। तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं आप, कर चुके हैं और इसकी शाइनिंग अलग ही आ रही होगी। ये हिस्सा हो चुका है और ये वाला हिस्सा भी हो चुका है। यहाँ से देख सकते हैं फिल्म में, ये फिल्म है, यहाँ से दिखाई दे रही होगी, ये देखो इसको कहते हैं फिल्म। ये पूरी इस पर लग चुकी है गेट पे, जो कि दूर से देखने में बिल्कुल पता नहीं लगता। दूर से क्या, आप पास से भी देखेंगे ना इसको तो आप जज नहीं कर सकते कि इस पे लैमिनेशन हो चुकी है। पीपीएफ चीज ही ऐसी होती है। और बाकी हम दिखाते हैं जो जो हिस्सा हम कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी इसके ऊपर तो काम चल रहा है, हम कुछ कुछ हिस्से कर चुके हैं, अभी पूरा काम आपको दिखा रहे हैं। जो जो हम पार्ट्स करने वाले हैं वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये थार गाड़ी है जो हम करने आए हैं अपनी शॉप से थोड़ा दूर, तो आपको कुछ शॉर्ट्स भी दिखाते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि पीपीएफ में ऐसा क्या है, इतनी महंगी क्यों है, तो इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ और डेमो करके दिखाता हूँ ये इतनी महंगी क्यों है। चलो आपको एक डेमो दिखाते हैं। तो दोस्तों मेरे हाथ में एक पीपीएफ का पीस है जो मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मेरे हाथ में पीपीएफ का पीस है, इसमें जो आपने एक लेयर उतारी है, दूसरी लेयर ये है, इसको अभी हम लगा के, जो हमने इसको लगाया तो इसको हम लगा रहे हैं, ये आप देख सकते हो। इसको हम अभी इसका पानी अंदर का निकाल रहे हैं और अभी इसको 2 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों जैसे आपकी गाड़ी कहीं नहीं, आप गाड़ी लेते हैं और खड़ी होती है, आपको पता है कि बच्चे उसमें कील वगैरह पत्थर वगैरह रगड़ देते हैं तो उसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो उसमें काम आती है पीपीएफ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा हाथ में कील जैसी एक चीज़ है, ठीक है, जिसको मैं इस पर चलाने वाला हूँ। ये नई गाड़ी है बिल्कुल, आप देख सकते हैं, और ये मैं हल्का फुल्का नहीं दबाकर चलाऊंगा। ये आप देख सकते हैं इसमें निशान आ रहे होंगे, लाइनिंग बन रही होगी, ये मैं आराम से नहीं इसको रगड़ रगड़ के चला रहा हूँ। ये देखिए पूरे रगड़ रगड़ के आप देख सकते हैं इसके ऊपर स्क्रैच बन गए होंगे। और इससे भी बढ़िया एग्जांपल मेरे पास एक ईंट है, ये आप देख सकते हैं एक ईंट है जिसको मैं इस पर रगड़ने वाला हूँ, और वो भी हल्के हाथों से नहीं दबाकर। ये देखिए तो देख सकते हैं आप, इस पर स्क्रैच पड़ने चालू हो गए हैं। अगर हम इतना ही स्क्रैच अगर लैमिनेशन के ऊपर मारेंगे तो वो स्क्रैच गाड़ी के अंदर तक पेंट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो स्क्रैच सिर्फ और सिर्फ डस्ट से बचाने के लिए, डस्ट से स्क्रैच लगते हैं उससे बचाने के लिए होता है। और पीपीएफ के अंदर आप देख सकते हैं इससे तगड़ा स्क्रैच तो कोई भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जब गाड़ी आपकी डैमेज होती है तो 100% में 90% होते हैं कि आपका पेंट अंदर से बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला है। क्योंकि आप इतनी महंगी गाड़ी लेते हैं तो अगर पेंट ख़राब होता है उसके बाद पेंट कर पाते तो ओरिजिनल पेंट नहीं आ पाता। आप कंपनी से कराइए, जहाँ मर्जी से कराइए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये स्क्रैच, और इसको मैं हटाने वाला हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसे इसमें जादू होता है। तो आप देख सकते हैं पूरा स्क्रैच ही, मैं साफ़ करने के बाद भी दिखा देता हूँ आपको। ये आप देखिए पूरा स्क्रैच पड़ चुका है। तो उसके बाद अब इसको पीस को उतारने वाले हैं और दिखाते हैं कि अंदर का हाल कैसा है पेंट का। ये हमने पीपीएफ इसको उतार चुके हैं और आप गाड़ी के अंदर से देख सकते हैं और लैमिनेशन पीपीएफ का हाल देख सकते हैं कि क्या हुआ है। तो दोस्तों पीपीएफ
और लेमिनेशन में ये फ़र्क होता है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो आप लेमिनेशन खींचोगे तो फट जाएगी, आप इसको पूरी ताकत से जितना मर्जी ताकत लगाइए तो इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, पूरी ताकत से आप इसको खींच कर देखिए। तो ये होती है PPF, ये सिर्फ हमारे पास कार में अवेलेबल है और ये हमारे पास कम से कम 40,000 रुपये से स्टार्टिंग है। नॉर्मल जो गाड़ी है उसमें 40,000 से स्टार्टिंग है और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर कोई भी वर्कनिंग नहीं होगी, क्योंकि ये PPF महंगी, काफ़ी महंगी आती है और इसमें लगाने में 3 से 4 जने लगते हैं तो एक दिन में तैयार होती है। दोस्तों मेरा एड्रेस आपको और नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल ही गया होगा। तो जो जैसा कि आप हनुमान मूर्ति से आ रहे हैं गफार की तरफ, अंदर मार्केट में एंटर करते हैं तो पहला कट जो आएगा राइट हैंड पे कोने की दुकान है हमारी राहुल स्टीके के नाम से। कि आपकी गाड़ी सस्ते में लेमिनेशन हो जाए तो वो भी हमारे पास हल है उसका। हमारे पास 12,000 से स्टार्टिंग है लेमिनेशन की, जो नॉर्मल क्वालिटी आती है 12,000 की है, बाकी 3M के अंदर आती है, गाड़ी के हिसाब से कॉस्ट करती है। फिर उस जो राजा है लेमिनेशन का वो PPF है। आप जौन सी मर्जी कोटिंग करा लीजिए, सैरमिक कोटिंग, कोई सी भी कोटिंग करा लीजिए और ऐसे कोई पत्थर मार के दिखाए आपको तो बताना फिर क्या हो। तो दोस्तों अगर आपको गाड़ी करवानी है तो आप डरिए मत, हम आपको गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा पेपर लगाकर दिखाएंगे, उसके ऊपर आप ही खुद आप सोच रहे होंगे हम आपको डेमो देंगे कि भाई ने थोड़ा आराम से चलाया होगा पत्थर या कील को आराम से चलाया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको डेमो देंगे। आप आए हमारे पास, पहले आपको लेमिनेशन PPF का टुकड़ा आपको लगाकर और उस पर आप ही डेमो करिए, आप ही कील रगड़ के पत्थर रगड़ के आप ही देखिए। अगर आपकी गाड़ी में कोई स्क्रैच आता तो हम उस गाड़ी को फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे, ये भी राहुल भाई का दावा है। चलिए थोड़ा आप शॉट दिखाते हैं जो अब गाड़ी हम आगे और तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको अपनी बाइक में लेमिनेशन करानी हो, PPF नहीं होती बाइक में, लेमिनेशन करानी हो, रैपिंग करानी हो, कार रैपिंग करानी हो, बाइक के ओरिजिनल स्टिकर, किसी को भी कोई सी भी गाड़ी के ओरिजिनल स्टिकर चाहिए तो वो भी अभी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो आप उसके लिए भी कॉल करके हमें हमारे पास पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा काम, बोनट भी हो चुका है इसका, बोनट भी देख सकते हैं, बिल्कुल 1% भी पता नहीं लग रहा होगा कि इस पर PPF हो रखी है, क्योंकि इसकी खासियत ही यही है। और बाकी पूरा काम हो चुका है, लगभग थोड़ा छोटा मोटा काम रह गया है। तो दोस्तों आपको गाड़ी करवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप कॉल करके पता कर सकते हैं, उसके चार्जेस पता कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम आए हुए हैं नोएडा ये गाड़ी करने के लिए, तो आपको भी कहीं भी गाड़ी करानी है तो आप पता कर सकते हैं और बुलवा सकते हैं, हम वहाँ पर आकर आपकी गाड़ी कर देंगे, PPF हो, लेमिनेशन हो, रैपिंग हो, ग्राफिक हो, कुछ भी हो। और बाकी आपको शॉप पे विजिट करना है तो आप आ सकते हैं, मेरा जो एड्रेस है डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप हनुमान मूर्ति से सीधा गफार की तरफ आते हैं तो पहला कट जो राइट हैंड पे आएगा उससे राइट हैंड में मुड़ते ही हमारी शॉप है 36 नंबर गली के बाहर, नियर साउथर्न होटल और बिल्लू के नियर बिल्लू का ढाबा, बिल्लू के ढाबे के बिल्कुल साथ में हमारी शॉप है, आप मार्केट में पता कर सकते हैं राहुल स्टीकर के नाम से। मेरा पुराना काफी पुराना काम है तो आप आए, तो चलते हैं, देन गुड बाय।